दोस्तों, आज जब हम आपके समक्ष बैठे हैं तो जो दृश्य है उसमें दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, दिल्ली में एक अजीब सी निराशा छाई हुई है। दिल्ली के लोग एक अजीब से उदासीनता के साए में जी रहे हैं। ऐसा उनको लगता है कि हम कुछ भी कहेंगे हमारी समस्याओं का निदान होने वाला नहीं है, और ऐसे निराशा और उदासीनता के माहौल में चाहे वो लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे लोगों के विकास का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, या फिर जीवन का मुद्दा हो, सब पे ऐसा संकट का बादल छाया हुआ है जिससे दिल्ली के लोग जितने त्रस्त हैं, अब उस स्तर पे वो अपने दर्द को कैसे बयां करें ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है। आज जब आपके सामने हम बहन मीनाक्षी जी के साथ, प्रत्युषकरण जी, नीलकांत जी और अशोक गोयल जी के साथ एक बहुत ही दुखद मुद्दा लेकर के इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, जिसको सुनने के बाद, जब पढ़ने के बाद, जानने के बाद मेरा मन खराब हुआ है तो आपका क्या होगा, इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। ये तो स्पष्ट हो गया है कि पिछले 5 साल में जो भी नाटकबाजी, आज की ये खबर कि हमारे दिल्ली में 2020 के पहले 10 दिन में 90 लोग ठंड से ठिठुर के मर गए, 2020 के 14 जनवरी को मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ये रिपोर्ट है सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट द्वारा जारी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच 90 लोगों ने, जो दिल्ली की सड़कों पे यहाँ वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया, मृत्यु हो गई उनकी, मर गए, और उनको अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के रूप में उनकी अंतिम क्रिया करनी पड़ी। अगर इसके थोड़ा सा पीछे चले तो दिसंबर के महीने में ऐसे मरे हुए लोगों की संख्या ठंड से 323 है। 323 लोग दिसंबर में मर गए, और जनवरी के फर्स्ट 10 दिन में 90 लोग मर गए। अगर इसका टोटल आप करते हैं तो 413 लोग 40 दिन में इसी आम आदमी पार्टी के सरकार में, ये एक नया रिकॉर्ड बन गया लोगों के ठंड से मरने का। अगर इसमें थोड़ी सी और जानकारी आपको हम दें पीछे, तो सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 साल में दिल्ली में बेघर होने की वजह से 3623 लोगों की मौत हो गई।